हेलो एवरीवन, आज हम मटके में देख सकते हो मटका, इसमें आज हम नल लगाना सीखते हैं कि किस तरीका से नल लगाते हैं। एक वीडियो हमने डाला था जिसमें नल लगाया था हमने, बट उसमें हमने एमसील का यूज़ किया था। इस वीडियो में हम बिना एमसील का नल लगाना सीखेंगे। ओके, तो कैसे लगाएंगे वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो चलिए, हमें नल लगाना है। जैसे ये मटके में हमें नल लगाना है, तो सबसे पहले जो हमें करना होगा कि क्या है, ये सब मटके जो नॉर्मल होते हैं ये सब चालू मटका होता है, मतलब इसमें कोई होल वगैरह नहीं रहता, आपको होल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक नुकीला पत्थर यूज कर रहे हैं। आप पत्थर भी यूज कर सकते हो, या मैं टाल से जो होता है ना अपना, उसका टूटा हुआ यूज कर रहा हूँ। ओके, दो का यूज कर रहा हूँ मैं, पहले होल करूँगा उसके बाद इसको गोल करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है, इसको इस तरीका से होल करनी है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि होल ऐसे करने हैं ना कि ये टूट ना पाए, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मारना है, थोड़ा सा धीरे धीरे मारना है ताकि वो टूटे नहीं। ये नुकीला होना मांगता है, नुकीला होगा तो ये टूटेगा नहीं। ये इस तरीका से, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं ना तो ये टूट जाएगा। हमें धीरे धीरे एक ही जगह पे हमें धीरे धीरे मारना है। एक ही जगह जहाँ होता है ना उसको हमें धीरे धीरे मारना। अगर एक बार भी ज़्यादा हम मार देंगे तो ये देखिए हमने इतना मारा, अब इसके बाद इतना हो गया, हमें टूट गया, एक जगह बन गया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से होल करेंगे, इस तरीका से होल करेंगे ताकि ये होल बन जाए। कि इस तरीका से हम थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे इसको, थोड़ा धीरे धीरे घुमाना है शुरू में आपको, ताकि ख़राब ना हो। अभी आप ये देख सकते हो मैं घुमा रहा हूँ थोड़ा इसको, ये हमको इस तरीका से थोड़ा थोड़ा पहले धीरे धीरे घुमाना है। वो एक बार अगर इसको फिर से भी आप कर देंगे ना एक बार, अभी मैं आप देख सकते हो धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, अगर एक बार आप घुमा देंगे ना तो ये टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे घुमाएंगे, हमें चेक करते जाना है कि कितना हो रहा है। ये थोड़ा साउंड भी जा रहा होगा, इस तरीके से साउंड आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बना सकते हो आराम से। ये हमारा बन रहा है, इतना होल हुआ। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको है ना नल, जहाँ से आप नल खरीदेंगे ना, नल के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारा नल है, इस नल को हम लगाएंगे। ओके, तो इसको हम चेक करते आए कि नहीं, ये शेप में अभी नहीं है, अभी हमें और करना होगा, थोड़ा सा और गोल करना होगा तभी ये जाएगा। अभी अगर तेज़ करते हैं ना तो ये देखिए बगल बगल में टूटने लगता है आपको, इसलिए तेज़ हमें नहीं करना है। ओके, धीरे धीरे करना है, उसके बाद अगर तेज़ करेंगे टूट जाएगा तो फिर लीकेज हो जाते हैं। लीकेज होने के बाद फिर बाद में आपको दिक्कत होते हैं, इसके कारण मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे करने से बहुत ऐसा होता है, नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा सा और होल मांगता है, आप जानते हो काला मटका का जो पानी होता है ना सबसे अच्छा होता है। मटका पे 2-3 वीडियो अपना गया है, क्या है मटके का टाइम है, रिपेयरिंग वगैरह भी होता है, आप घर पे भी लगा सकते हो। क्या होता है, लोग ऐसे ही खरीदते हैं, बिना नल लगाए हुए मटका खरीदते हैं और बाद में लोग लगाना चाहते हो, तो आप घर पे भी लगा सकते हो, नल मार्केट से खरीद के आप लगा सकते हो। ओके, बिना नल का मटका थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। ये देखिए ये हमारा लग गया, लेकिन क्या है, ये अगर हम डायरेक्ट अभी लगाए तो इसमें लीकेज आ जाएंगे, तो उसको लीकेज ना आए इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें जहाँ से आप नल खरीदेंगे ना वहाँ आपको ये वाइसर मिल जाएगा। आपको ये ऐसा वाइसर होता है ना, ये वाइसर आपको मिल जाएगा। आपको दो वाइसर की ज़रूरत पड़ेगी, ये नल मिलेगा, एक नल मिलेगा और दो वाइसर मिलेंगे, और उसके बाद ये अंदर से बंद करने के लिए आते हैं, ये इसको आप वोल्ट बोल सकते हो, वोल्ट ही आ जाए उसके। तो क्या करने है, ये होल होने के बाद का प्रोसेस क्या है, आपको ये एक वाइसर इसमें डालने हैं। ओके, उसके बाद ये इसको इसमें पहले डाल देने हैं, ये इस तरीका से हम इसमें, थोड़ा सा सख्त रहे तो भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा सख्त रहेगा तो उसके ये ख़राब होंगे। ओके, बाद उधर से डाल के इसके बाद हमें ये ना अंदर से डालना है, मतलब एक बाहर से मैं बोलूँ तो, और एक अंदर से डालने हैं। उसके बाद ये जो है इसको हमें अंदर से टाइट करने हैं। ओके, ये जो है अंदर से हम टाइट करेंगे, ये देख सकते हो, शायद आपको अंदर ना दिख रहा हो, मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ जाएंगे, अंदर से हमें ये टाइट करने हैं। ओके, इसको हम अंदर से टाइट कर देंगे, इसको अंदर से लगा के हम बराबर टाइट करेंगे इस तरीके से, इसको हमें टाइट करने हैं। ये देख सकते हो जब हम टाइट करते हैं इसको ना, इस तरीके से इसको टाइट करते हैं तो ये पूरा बैठ जाएगा। अभी थोड़ा तिरछा रखेंगे, थोड़ा सा आपको तिरछा रखना है, जैसे ये तिरछा हुआ ना, उसके बाद घुमा देंगे ताकि पूरा टाइट हो जाए। अभी जितना टाइट हो रहा है उतना टाइट तो करना ही है हमें,
जैसे इतना टाइट हो रहा है, पूरा ताकत लगा के आपको टाइट करने, कोई दिक्कत नहीं, वाइसर है ना अपना, वाइसर दबता है। उसके बाद ये इतना करने के बाद इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, ये आपको उल्टे शेप में लेने हैं। ये हमारा पूरा टाइट हुआ, उसके बाद हम ऐसे घुमा देंगे। अब आप चेक कर सकते हो, अभी आप चेक कर सकते हो, हमारा नल लग के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हो हमारा कुछ भी नल नहीं था, अब हमारा ये मटका रेडी हो चुका है। ओके, तो आप अब हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन उससे पहले मैं इस मटके में पानी रख के आपको चेक करके बताऊंगा कि इसमें लीकेज भी नहीं है। तो ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल चुका है, पानी इस मटके में अब भर चुका है। अब हम इसको, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने ऐसा लगाया तो हुआ नहीं। अभी देखिए इसमें पानी भर चुका है, सादा को दिख रहा होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखिए ये हमारा है। अब हम इसको चेक करते हैं, पानी लीकेज भी नहीं। अभी देखिए इसमें से पानी लीकेज आपको नहीं दिख रहा है कहीं भी, पूरा है, बराबर है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे तो पानी निकलेगा, बराबर ना। इधर से कोई लीकेज वीकेज नहीं है, रहता तो इधर से पानी अपना निकलने लगता। ओके, तो आई होप ये वीडियो अच्छा था, आपको हेल्पफुल रहा।